एनसीबी जोधपुर द्वारा वर्ष 2017 में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद जिला जेल चित्तौड़गढ़ से अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने के पश्चात फरार आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। 25 घंटों में करीब 1700 किलोमीटर यात्रा के बाद पुलिस के हाथ लगा फरार आरोपी। बता दें, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि वर्ष 2017 में एनसीबी जोधपुर द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ में करीब 615 किलोग्राम डोडा चूरा के साथ पंजाब के बरसा थाना गग्घा जिला पटियाला निवासी दर्शन सिंह पुत्र गुलजार सिंह सिख गिरफ्तार किया था। आरोपी तब से जिला जेल में विचाराधीन बंदी के रूप में बंद था। आरोपी 21 अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्वीकृत 15 दिन से अंतरिम जमानत पर जिला जेल चित्तौड़गढ़ से छोड़ा गया था, जिसे अंतरिम जमानत की समाप्ति के पश्चात पुनः जेल में आत्मसमर्पण करना था, किंतु दिनांक 4 नवंबर 2022 को पुनः जेल नहीं आया। जेल प्रशासन चित्तौड़गढ़ द्वारा आरोपी की फरारी का कोतवाली चित्तौड़गढ़ में प्रकरण दर्ज करवाया गया। मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर 4 अप्रैल से पूर्व पुनः जेल दाखिल करवाने के निर्देश दिए।